वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में सेवा सप्ताह के अंतर्गत विकासखंड कंडाघाट की ग्राम पंचायत सायरी में 101 वर्ष की वरिष्ठतम नागरिक सुंदरू देवी के हाथों से पौधारोपण किया गया और पंचायत प्रधान द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। अंजू राठौर ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में ये सप्ताह पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी वर्ग को बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी उचित देखभाल व उचित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को स्वस्थ और सुखद बनाया जा सके। नमस्कार, आज हमारी ग्राम पंचायत सायरी में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो एक सप्ताह मनाया जा रहा है वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए, उसके अवसर पर हमारी ग्राम पंचायत सायरी में हमारी एक वरिष्ठ नागरिक है जो कि हमारी ना केवल ग्राम पंचायत सायरी की वरिष्ठ नागरिक है बल्कि पूरे कंडाघाट ब्लॉक की जो 26 पंचायतें हैं उसमें ये वरिष्ठ नागरिक हैं। तो मैं इन माता जी का और इनके सारे परिवारजनों का उनको मैं बधाई देती हूँ क्योंकि ये बधाई के पात्र हैं। और आज इस अवसर पर हमारे बीच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी मौजूद हैं और हमारे वार्ड मेंबर और समस्त यहाँ के ग्रामवासी, और हमने आज यहाँ इन माताजी के हाथों से इनके कर कमलों द्वारा यहाँ पर पौधरोपण किया और इनको सम्मानित किया। आज इस अवसर पर मैं यही कहूँगी कि हमें जो न्यू जनरेशन है उनको अपने जो वरिष्ठ नागरिक है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। उनकी बहुत ज़्यादा उनको केयर की ज़रूरत है क्योंकि हम देखते हैं कि जो ये ढलती उम्र है, जो बुढ़ापा है, इसमें हमारे जो शारीरिक अंग हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते हैं। तो टाइम टू टाइम उनका चेकअप होना चाहिए, उनकी हेल्थ जांच होना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि जैसे कि आँखों से कम दिखाई देना और कानों से कम सुनाई देना और याददाश्त भी इस अवस्था में कमज़ोर हो जाती है, तो इसलिए हमें इन बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा जो समस्या बुज़ुर्गों को आती है तो वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि न्यू जनरेशन और उनके जो परिवार के लोग हैं वो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो मैं आज यही कहूँगी कि हमें अपने सारे वरिष्ठ जनों का, अपने जो ये वरिष्ठ नागरिक हैं, इनका भरपूर इनकी केयर करनी है और तभी ये जो पौधरोपण है ये तभी सार्थक सिद्ध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।